वेलकम टू माय चैनल ओए इट्स यमी। तो फ्रेंड्स, आज हमने बनाया है मिसल पाव, बट ये बहुत ही ओरिजिनल स्टाइल वाला मिसल पाव है और ये बहुत ही चटपटा और बहुत टेस्टी वाला मिसल है। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी की जानकारी चाहिए तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहना पड़ेगा। तो चलो हम रेसिपी की शुरुआत करने जाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिए है ये हरे बटाने। मैंने ये 50 ग्राम जितने हरे बटाने लिए थे उसको मैंने कम से कम 4 से 5 या 6 घंटे के लिए मैंने यहाँ पे इसे भिगा के रखा था और इसे मैंने 2 से 3 विसल होने तक ये प्रेशर कुकर में नमक डालने के बाद मैंने इसे कुक होने दिया था। तो ये काफी अच्छी तरीके से देख सकते हो ये पूरे भी है, काफी गले हुए भी नहीं है और देखने में भी आप देख सकते हो ये पूरे दिख रहे हैं ये। और इसके अलावा आपको और कोई स्प्राउट पसंद हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो मुझे तो यहाँ पे यही स्प्राउट अच्छा लगता है इसमें। यहाँ पे हमने लिए है 2 स्लाइस किए हुए ये प्याज और इससे थोड़ा सा तेल लेकर हमने इस तरीके से ये कच्चा पक्का पकाना है सिर्फ 2 मिनट के लिए। देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे ये जो प्याज है कच्चे पक्के पक चुके हैं। और इसमें हम डालेंगे यहाँ पे 1 कटोरी जितना ये ग्रेट किया हुआ कोकोनट, ये फ्रेश वाला कोकोनट है। और इसे हम डाल के 1 मिनट के लिए हिलाएंगे अच्छी तरह। यहाँ पे हमने इसे 1 मिनट के लिए हिला दिया है। देखो इसे हम गैस से उतार लेंगे। अब ये जो हमने प्याज और नारियल, तो यहाँ पे हमने ये जो नारियल वगैरह सब रखा था वो हमने यहाँ पे मिक्सर के जार में डाला हुआ है। देखो उसी के साथ ये हम लेंगे 5 से 6 कलियां लहसुन की, ये 1 हरी मिर्च और 1 रफली चॉप्ड किया हुआ टमाटर इसमें हम डालेंगे। और उसी के साथ हम डालेंगे ये अदरक का टुकड़ा इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसे पहले ऐसे ही पीस लिया था, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी जिससे ये काफी अच्छी तरीके से पीस जाएगा। आप देख सकते हो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से फाइनली इसे ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में हमने तेल गरम करने रख दिया है, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग और उसी में हम डालेंगे 4 से 5 ये कड़ी पत्ते और ये हमने पीसा हुआ और ये हमारी जो ग्रेवी है वो इसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये ग्रेवी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हमारी ये जो हरे बटाने हमने ये जो बॉईल करके रखे थे वो इसमें हम डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो यहाँ पे मैंने ये 1/2 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर डाला है, ये जो रेगुलर वाला हमारा रहता है वो, और उसी के साथ ये 1/2 चम्मच कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर जिससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और ये 1/2 चम्मच जितना मैंने यहाँ पे धनिया जीरा पाउडर डाला है इसमें। और उसी के साथ यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच जितना गरम मसाला पाउडर डाला है इसमें और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो 2 से 3 ग्लास जितना पानी डाल देंगे हम इसमें। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, चक्कर डालिएगा नमक क्योंकि हमने वो जो मटर बॉईल किए थे उसमें भी हमने नमक डाला था, तो आप इसे चक्कर ही डालना। और मैंने यहाँ पे 2.5 ग्लास जितना पानी डाला है, अगर आपको पतला चाहिए तो आप और पतला कर सकते हो इसे। देखो साथ में इसमें हम डालेंगे नींबू, नींबू को मिस मत कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा लगता है इसमें, चटपटा बना देता है इसको। तो नींबू को भी हमने इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा मिसल कितना अच्छे तरीके से उबल रहा है और ऊपर आप देख सकते हो कि ये देख सकते हो कि ये जो सब तेल साइड साइड में आना शुरू हो चुका है। देखो और खुशबू तो क्या बढ़िया आ रही है, आपको क्या बताऊं मैं, पूरे घर में आस पड़ोस में सब जगह फैल चुकी है। तो एक बार इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे करीबन 10 मिनट हो चुके हैं उसे उबले हुए, तो हम इसे गैस से उतारे लेंगे अब, और जब भी खाना है तभी हम गर्मा गर्म ही इसे सर्व करेंगे। इसे हम सर्व करेंगे, इसके लिए हम लेंगे ये थोड़ा सा फरसान, ये मिसल मिक्स फरसान रेडी आपको मिल जाएगा बाजार में,
अब इस पर हम डालेंगे ये हमारा जो बना हुआ रसा है मिसल का, इस तरीके से हमें डालना है। बहुत ही बढ़िया, टेस्टी और आसान, इस तरीके से। और ऊपर से हम डालेंगे ये प्याज, जिससे ये काफी और टेस्टी लगेगा। और इसे हम खाएंगे रस पाव के साथ, तो बहुत बढ़िया लगता है ये। तो आपने देखा ना, हमारा ये बढ़िया, बहुत ही चटपटा और टेस्टी मिसल बनकर रेडी हो चुका है। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा इसे। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।